हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसकी नीड हमें क्यों ही है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि नेट क्या होता है और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। सपोज़ कीजिए ये यहाँ पे इंटरनेट है और यहाँ पे कोई भी सर्वर है। सर्वर आपका किसी भी तरह का यहाँ पे सर्वर हो सकता है और आपका यहाँ पे होस्ट है, यानी कि आपका यहाँ पे कंप्यूटर है। आपने अपने कंप्यूटर को आपके घर तक एक राउटर आया, उससे कनेक्ट किया। ठीक है, ये क्या है, एक राउटर है। आपने इससे अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किया तो ये आपका होगा प्राइवेट नेटवर्क। इधर की साइड आप यहाँ पे दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार कंप्यूटर, जितने कंप्यूटर आप यहाँ पे चाहते हो अपना प्राइवेट नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और इधर की साइड जो हमारा यहाँ पे ये राउटर है वो कनेक्ट रहेगा इंटरनेट से। इधर की साइड हमारा प्राइवेट नेटवर्क से और इधर की साइड हमारा इंटरनेट से ये कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे राउटर का क्या काम होता है, देखिए राउटर क्या काम करेगा कि जो आपकी यहाँ पे ये 10.0.0.1 जो है, ये क्या है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये कहाँ पे जाएगी, इस राउटर के पास जाएगी। इस आईपी को जो नेट रहता है वो चेंज कर देता है एक पब्लिक आईपी से। जो हमारा राउटर है उसकी एक पब्लिक आईपी रहेगी जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन नेट का काम क्या रहेगा कि प्राइवेट आईपी को ये चेंज कर देगा जो राउटर का जो पब्लिक आईपी रहेगा उससे, क्योंकि वो इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है। तो हम इस प्राइवेट आईपी की हेल्प से इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। और जैसे कि हमारी ये यहाँ पे प्राइवेट आईपी है, ये इंटरनेट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं पब्लिक आईपी में, किसके, जो कि यहाँ पे इस राउटर पे जो पब्लिक आईपी हमारी वर्क कर रही है उससे, तो हमारे यहाँ पे दो कंप्यूटर कनेक्ट है या तीन कंप्यूटर कनेक्ट है या चार कंप्यूटर कनेक्ट है हमारे प्राइवेट नेटवर्क में, वो सारे के सारे कंप्यूटर इसकी पब्लिक आईपी से चेंज हो जाता है, यानी कि कन्वर्ट हो जाता है। तो वो इंटरनेट को क्या कर पाता है, एक्सेस कर पाता है। इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है, देखिए जब आप कोई भी सिम खरीदते हो तो उसमें आप क्या कराते हो, रिचार्ज कराते हो। जब आप रिचार्ज कराते हो तो उसके बाद आपका इंटरनेट चलना स्टार्ट होता है, यानी कि जो ISP कंपनी है आपको सर्विस प्रोवाइड करती है इंटरनेट की। ठीक है, अगर आपके पास चार मोबाइल है या चार सिम है तो आपको अलग अलग सिम में यहाँ पे इंटरनेट चाहिए होगा, तो उसके लिए आप कंपनी को पे करोगे, उसके बाद वो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सपोज कीजिए आपका यहाँ पे एक राउटर है, आपने इसमें रिचार्ज कराया, ठीक है, और आपके यहाँ पे चार कंप्यूटर है या आपके मोबाइल भी हो सकता है, आपने वाईफाई के थ्रू इस राउटर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया, तो ये यहाँ पे क्या होगा, जो राउटर रहेगा इसके पास अपनी एक पब्लिक आईपी रहेगी जो कि ISP के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जो इंटरनेट की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, आपको एक आईपी दे दी जाएगी। आईपी कौन देता है, IAN ने देती है। ठीक है, इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है, ISP करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करती है। लेकिन जब आप पे करते हो ISP को कि मेरी सर्विस को यहाँ पे इनेबल कर दिया जाए, उसके बाद IAN ने आपको एक आईपी एड्रेस देता है। ठीक है, उसके बाद आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हो। लेकिन अगर हम, हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर है, चार कंप्यूटर है और आप इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अलग अलग कनेक्शन लेने होंगे। लेकिन हम क्या कर पाते हैं इस राउटर की हेल्प से, जिसमें हमारा नेट कॉन्फिगर रहता है, तो हम, हमारे चार कंप्यूटर है या पाँच कंप्यूटर है या वो मोबाइल भी हो सकते हैं, हम उनको भी क्या, बिना रिचार्ज से, हम कोई भी रिचार्ज नहीं करेंगे, ISP को कोई भी पे नहीं करेंगे, तो और हम क्या काम करेंगे, इससे कनेक्ट करेंगे, राउटर से कनेक्ट करेंगे। इधर की साइड हमारा क्या रहेगा, प्राइवेट आईपी काम करेगा होस्ट की साइड, और पब्लिक आईपी कहाँ काम करेगा, इस राउटर पे काम करेगा। तो इस प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में जो चेंज करेगा वो काम होता है नेट
का, नेट की फुल फॉर्म इसलिए रखी गई है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। उसके बाद हमारी क्या फायदा होता है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे कॉस्ट बच जाती है, जो हम आईएसपी को कॉस्ट देते हैं वो कम हो जाती है। सपोज कीजिए आपके पास एक छोटी सी कंपनी है या कोई भी कॉलेज है, वो चाहता है कि हम एक ही आईपी एड्रेस ले, यानी कि पब्लिक आईपी एड्रेस ले, एक बार ही हम रिचार्ज कराए, किसी भी वाईफाई में आप रिचार्ज करा सकते हो और जितने भी हमारी डिवाइस है वो इंटरनेट को एक्सेस कर सके, तो आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। ये आपकी कॉस्ट को बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा और आपको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये यहाँ पे कैसे काम करता है आप यहाँ पे अच्छे से समझिए। सपोज कीजिए ये यहाँ पे सोर्स आईपी है, यानी कि ये आपकी यहाँ पे आईपी हो गई जो इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है। डेस्टिनेशन क्या है, ये है, ये सर्वर है आपका, किसी भी तरह का ये सर्वर हो सकता है। इसका आईपी एड्रेस क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा, ये जो आपका सोर्स आईपी रहेगा ये चेंज हो जाएगा इससे, यानी कि आपका सोर्स आईपी क्या है 10.0.0.1 है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा राउटर की जो पब्लिक आईपी रहेगी उससे 150.150.0.1 से ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट को केवल यही एक्सेस कर सकता है। उसके बाद ये यही जाएगा डेस्टिनेशन के पास, डेस्टिनेशन के पास ये जाएगा, तो इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से रहेगा। लेकिन तब ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रहेगी इधर की साइड जाएगी, क्योंकि इसने रिक्वेस्ट की, पहले क्या किया, रिक्वेस्ट की सर्वर से, सर्वर क्या देगा इसको इन्फॉर्मेशन देगा, वो कैसे देगा, तो सोर्स हमारा क्या हो गया, ये सर्वर हो गया, डेस्टिनेशन क्या है हमारी, ये है, क्योंकि इस होस्ट के पास तक जाना है। तो वो कैसे जाएगा, ये हमारा यहाँ पे सोर्स रहेगा, सोर्स आईपी यही रहेगी, लेकिन ये इसको नहीं जानता, जो हमारा ये होस्ट है इसकी आईपी को नहीं जानता, ये जानता है केवल जो हमारा राउटर है उसकी पब्लिक आईपी को जानता है, ये उस तक मैसेज को सेंड कर देगा, यानी कि यहाँ तक। उसके बाद राउटर को पता है कि कौन सा होस्ट मेरा यहाँ पे कहाँ पे कनेक्ट है, किसने कब रिक्वेस्ट की थी, तो वो उसके उसको क्या कर देगा, यहाँ पे उसी होस्ट को इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा राउटर। तो हमारा नेट कुछ इस तरह से काम करता है। आई होप आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि हमारा नेट क्या होता है, ये कैसे काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ, इसकी डेफिनेशन को रीड करा देता हूँ। देखिए आप इस डायग्राम में भी यहाँ पे समझ सकते हो, ये यहाँ पे सर्वर है, ये यहाँ पे इंटरनेट है, और आप यहाँ पे इसको वाईफाई समझ सकते हो, और इससे हमारे यहाँ पे चार कंप्यूटर कनेक्ट है। तो ये चारों कंप्यूटर एक ही आईपी के थ्रू या पब्लिक आईपी के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे रीड करके बता देता हूँ। ए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसको हम नेट बोलते हैं, इज ए प्रोसेस ऑफ मैपिंग एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस टू अनदर बाय चेंजिंग द हेडर ऑफ आईपी पैकेट वाइल इन ट्रांजिट विया ए राउटर। देखिए इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जो नेट होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम आईपी एड्रेस की मैपिंग करते हैं, यानी कि हम आईपी एड्रेस को चेंज करा देते हैं, उसका जो हेडर होता है, और हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, राउटर की हेल्प से। नेक्स्ट है यहाँ पे दी हेल्प्स टू डिक्रीज द नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कंपनी है, उसमें हमारे कुछ कंप्यूटर रहेंगे या कुछ मोबाइल भी रह सकते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अलग अलग आईपी एड्रेस को बाय करें किसी भी आईएसपी से, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक ही राउटर के थ्रू हम अपने डिवाइस को इंटरनेट एक्सेस करा सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट बच जाएगा, तो इसका ये भी बेनिफिट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे नेट को प्रैक्टिकली सिस्को पैकेट ट्रेसर में कॉन्फ़िगर करते हैं, ये मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। देखिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी पसंद भी आई होगी और समझ भी आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल पे बेस्ड रहने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।